पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह रिसेशन का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है। ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें ज़ाहिर इकॉनमी बंधी हुई है, सब लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस रिसेशन की वजह से बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन है। लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, लोग अपने असासे बेच रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिसेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हर शख्स का इंतकाल हो जाता है। ये एक सोल्यूशन बेस्ड मामला है, तो इसका हल भी है। ये कोई ऐसी नामुमकिन सी बीमारी नहीं है कि जिसके अंदर हर इंसान फौत ही हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसका हल भी तलाश किया जा रहा है। इसके हल क्या हो सकते हैं और आप रिसेशन में से कैसे निकल सकते हैं, आप अपने कारोबार को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम 13 नवंबर को लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं। ये डे सेशन होगा, जैसे हमारे हर महीने डे सेशंस होते हैं। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि आप रिसेशन में अपने कारोबार को बहाल कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपके पास जितने असासे हैं आप उन असासों को कैसे बचा सकते हैं, और ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये कितना अरसा मजीद पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में रहेगा, ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको 13 नवंबर को लाहौर में देंगे। आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रابطہ कीजिए, अपनी सीट बुक करवाइए और हमसे सीखिए कि रिसेशन के अंदर आप अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। गुरु जायद इरफान का पिछला कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों ने फूड के ज़रिए हर किस्म की बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। अब अगला एडवांस कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसमें आप फूड के ज़रिए तमाम बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं। हमारा 30 नए बिजनेस आइडियाज़ का कोर्स इस वक्त चल रहा है, आप इन नंबर्स पर रابطہ करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मुझसे अगर ये पूछा जाए कि तरक्की की कोई एक खूबी, कोई एक ऐसी खूबी कि जो अगर इंसान पैदा कर ले तो वो ज़िंदगी में तरक्की कर जाता है, तो वो खूबी कौन सी हो सकती है, तो मैं उसका सिर्फ एक ही जवाब दूंगा और उस खूबी का नाम है पेशेंस, बर्दाश्त। अगर आप पेशेंस अगर आपके अंदर है, कुव्वत बर्दाश्त अगर आपने बढ़ा ली है, तो फिर आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से और कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब सवाल ये कि ये हमने फैसला कैसे कर लिया कि सिर्फ कुव्वत बर्दाश्त हो बंदे के अंदर तो वो डेफिनेटली तरक्की कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध का एक वाक्य है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितनी बड़ी नेमत होती है। महात्मा बुद्ध को एक बार दावत दी गई थी कि आप मजमे से खिताब करें और सब लोगों को बताएं कि बुद्ध मत को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप टाइम रख लें। सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया कि वह 10 बजे आएंगे और खिताब करें। बुद्ध वहाँ पर आए वक्त के मुताबिक, उन्होंने मजमे को देखा और देखा तो 300, 400, 500 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने सबको देखा, इधर से उधर देखा, आगे से पीछे की तरफ देखा और चुप करके बगैर कुछ बोले वापस चले गए। जो ही वो वापस गए तो मजमे के अंदर से सरगोशियाँ होना शुरू की कि भाई देखो, हम तो कल से इंतज़ार कर रहे थे कि बुद्ध आएंगे, वो भाषण देंगे, हम सब सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी का तरीका बदल लेंगे, हम तरक्की करेंगे और बुद्ध मत का जो नज़रिया है उसको आगे फैलाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि वो आए, उन्होंने हम सबको देखा और वापस चले गए, ये तो बड़ा वक्त आया हो गया। बहरहाल बुद्ध जब चले गए तो उनका चेला या उनका जो ADC था वो वापस आया और आके कहने लगा, जी कल दोबारा 10 बजे यहाँ पे लेक्चर होगा, जो जो सुनना चाहता है वो कल आ जाए। अगले दिन बुद्ध वहाँ पर दोबारा आए तो जब उन्होंने देखा तो 550 की बजाय इस बार सिर्फ 250 लोग आए, यानी आधे लोगों ने सोच लिया कि वहाँ जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, जाएंगे वो इसी तरह, हो सकता है आके चुप करके देखें और वापस चले जाएं, तो हमने क्या करना है जाके। तो उस दिन भी बुद्ध ने यही किया, महात्मा ने, कि वो मजमे के सामने खड़े हुए, आगे से पीछे देखा, दाएं से बाएं देखा और चुप करके खामोशी से बगैर कुछ बोले वापस चले गए। अब दूसरा दिन था, लोगों ने देखा कि ये क्या बात हुई जी कि वो आते हैं और आगे चले जाते हैं, तो बड़ी सरगोशियाँ हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो बड़ी ज्यादती है, अब देखो मैं 300 किलोमीटर सफ़र तय करके वापस आया, किसी ने कहा जी मैं नदी पार करके आया, किसी ने कहा जी देखे मेरा तो काम था आज मैंने फसल काटनी थी, मैंने वो छोड़ दी और यहाँ पे बुद्ध का खिताब सुनने के लिए आया, किसी ने कहा जी मेरे तो जानवर धूप में बैठे खड़े थे, मैं उनको वहीं खड़ा छोड़ के आ गया। तो सब लोगों ने कहा जी, को किसी ने कहा मेरी बीवी बीमार है, किसी ने कहा मेरा बच्चा बीमार है और मैं बुद्ध को सुनने के लिए आया लेकिन आज का सफ़र ज़ाया हो गया। और जब वो बुद्ध चले गए तो दोबारा चेला आया और उसने कहा जी ये लेक्चर कल होगा, तो जैसे सुनने आ जाए। अब जब तीसरे दिन महात्मा बुद्ध आए
तो उन्होंने दोबारा मजमे की तरफ देखा तो इस बार सिर्फ कोई 101 लोग रह गए थे, बाकी लोग आए नहीं। उन्होंने सोचा कि जी महात्मा बुद्ध का तो यही काम है, वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लिहाजा हमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और इस बार भी महात्मा बुद्ध ने वही किया, वो आए, उन्होंने देखा, देखने के बाद खामोशी से चुपचाप वापस चले गए। लेकिन इस बार मजमे के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। पहले तो ये होता था कि लोग इंतज़ार करते थे कि बुद्ध जाएंगे और फिर वो बात करेंगे, लेकिन इस बार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि महात्मा हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्यों नहीं बात कर रहे आप, कहाँ चल दिए, रुकें तो सही, देखें तो सही। कुछ लोगों ने सीटी भी बजा दी, जैसे अमूमन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सीटी मारी जाते हैं, कुछ ने यह भी कह दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध चुप करके चलते 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 अपने कमरे में जाके बंद हो गए। और जो ही वो कमरे में गए तो दोबारा चेला आया और उसने कहा, लें जी महात्मा का ये पैगाम है कि जिस जिसने लेक्चर सुनना है वो कल दोबारा 10 बजे आ जाए, महात्मा उनसे खिताब करेंगे। अब 5वां दिन था, महात्मा बुद्ध 5वें दिन 10 बजे बाहर आए, तो इस बार उन्होंने देखा तो सिर्फ 11 लोग बैठे हुए थे सामने। उन 11 लोगों के अलावा पूरा पंडाल खाली था, कोई बंदा मैदान में था ही नहीं, सिर्फ 11 लोग बैठे हुए थे। तो बुद्ध ने उनकी तरफ देखा, मुस्कराए, मुस्कराने के बाद उन्होंने खिताब शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो बुद्ध बोलते चले गए और उनके जो 11 लोग सामने बैठे हुए थे वो सब, कुछ लोग लिखते चले गए, कुछ लोगों ने अपने जहन में बात बिठा ली, तो सब लोग गौर से महात्मा बुद्ध को देखते रहे और जो जो लफ्ज़ वो बोलते रहे डायरेक्ट उनके दिमाग में यहाँ पर गिरते रहे। जब उनका खिताब मुकम्मल हो गया तो उन 11 लोगों में से एक ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि महात्मा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। महात्मा ने कहा हाँ पूछो। तो उसने कहा कि हजूर जब पहले दिन 550 लोग थे तो आपने खिताब नहीं किया, दूसरे दिन जब 250 लोग थे तो आपने खिताब नहीं किया, तीसरे दिन जब 100 लोग थे तो आपने खिताब नहीं किया, चौथे दिन जब 50-60 लोग थे तो आपने खिताब नहीं किया, 5वें दिन जब 11 लोग रह गए थे, लोग कम हो गए और बिल्कुल हम एक दूसरे की शक्लें बल्कि आवाज़ें बल्कि सांसें तक गिर सकते थे, तो उस वक्त आपने खिताब किया, तो पहले दिन आपने खिताब क्यों नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ लोगों का पेशेंस चेक करना चाहता था, मैं लोगों की कुव्वत बर्दाश्त चेक करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा मैसेज है, जो मेरी बात है, वो सिर्फ वही हजम कर सकता है जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त होगी, जो बार बार इस बात को सुनने के लिए आ सकेगा, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। तो मैंने देखा कि आधे मजमे में कंसिस्टेंसी नहीं थी, लिहाजा वो पहले दिन के बाद दूसरी बार नहीं आए, और अगली मर्तबा उनमें से भी लोग आधे कम हो गए, फिर उससे अगले दिन उससे भी कम हो गए, और फिर उसके बाद उनसे भी कम हो गए, और आखिर में सिर्फ 11 लोग रह गए। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे अल्फाज को, मेरी बात को सिर्फ यही लोग डिजर्व करते हैं, मुझे सिर्फ इन्हीं से बात करनी चाहिए। ऐसे लोग जो सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए यहाँ आके बैठ गए थे, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। गो ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कुदरत का यही कानून है, कुदरत का ये कानून है कि जब वो किसी को देना चाहती है कोई चीज़, तो वो उसका टॉलरेंस लेवल, उसकी कुव्वत बर्दाश्त, उसका पेशेंस चेक करती है। अल्लाह ताला तो नबूवत देने में भी 40 साल लगा देता है, उससे पहले आपको अपने आप को साधक और अमीन डिक्लेयर करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, उसके बाद फिर पहली वही उतरती है। और ये तो दुनियादारी है जिसमें 2+2 है, तो इसमें याद रखें कि जब नबी को अल्लाह ताला चूज़ करके दुनिया में भेजता है पहले से, ऐसा नहीं होता कि जो एफर्ट करेगा नऊस बिला वो नबी बन जाएगा, नहीं, नबी का तायुन पहले से अल्लाह ताला ने किया होता है, कुदरत ने किया होता है। जब उसको ज़मीन के ऊपर भेज के टेस्ट किया जाता है, फिर आप और मैं तो दुनियादार हैं, हमारे लिए तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक टेस्ट होगा, क्योंकि हम में से तो जिस शख्स ने भी कामयाब होना है एड़ियाँ रगड़नी है उसने, क्योंकि ज़ाहिर है नाउज़बिल्ला हम तो चूजन लोग नहीं हैं, हम तो नबी नहीं हैं, हम तो आम लोग हैं। तो जब अल्लाह ताला नबूवत के लिए टेस्ट करता है, टॉलरेंस लेवल चेक करता है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाता है, पेशेंस चेक करता है, और उसके बाद उसको नबूवत देता है, फिर ये समझता है कि अब मुझे इसे पैगाम देना चाहिए जिसे ये आगे फैला सके, तो आप और मैं दुनियादारी करते हुए कैसे ये सोच सकते हैं कि कुदरत हमें बगैर हमारा पेशेंस चेक किए हुए, हमारी कुव्वत बर्दाश्त का टेस्ट लिए हुए हमें कामयाब कर दे। बिल्कुल नहीं, जिस शख्स के अंदर ये पेशेंस होगा कामयाब सिर्फ वही होगा। लिहाजा आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास अगर दुकान है तो उस दुकान को ग्राहकों की नज़र से ना देखें, दुकानदार की नज़र से देखें। अगर सारा सारा दिन बैठे भी हुए आपके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा,
तो फिर भी आप अगले दिन 7 बजे दुकान खोलें, और उससे अगले दिन भी कोई गाहक नहीं आता फिर भी 7 बजे खोलें, और उस वक्त तक खोलते रहें 7 बजे तक जब तक आपकी दुकान के सामने मजमा नहीं लगता, लोग जमा नहीं हो जाते। और अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करते चल रहे, कोई आपको देखे, कोई आपको सुने, या कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आपका काम यह है कि आप बस करते चले जाए। ये याद रखिएगा, काम अजान की तरह होते हैं। अजान सिर्फ ये सोच के नहीं दी जाती कि सारा शहर मस्जिद के अंदर आ जाएगा नमाज पढ़ेगा, नहीं, हो सकता है कि आप अजान देते रहें और एक भी नमाजी पूरे शहर में से ना निकल के आए, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि नमाजी नहीं आए तो आप अगली मरतबा अजान नहीं दें, अजान देंगे, अजान अपने वक्त पे होगी, लोग आए या ना आए अजान दी जाएगी। अब चर्च की घंटियां भी ये सोच के नहीं बजाई जाती कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं, घंटियां बजेंगे। इसी तरह मंदिरों के अंदर वो शंख बजाते हैं पू, ये सोच के नहीं बजाया जाता कि लोग इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, बस बजाया जाता। सेम इसी तरह मेहनत की जाती है, इस तोक्को के साथ नहीं की जाती कि हम अगले दिन बिलियनर बन जाएंगे, नहीं, आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि कुदरत आपकी तरफ मुतवज्जो होगी, फिर ये कहेगी कि ये वो बंदा है जिसके अंदर पेशेंस है, ये वो बंदा है जिसका टॉलरेंस लेवल बहुत है, ये वो बंदा है जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, और ये वो शख्स है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, लिहाजा इसको इसका इनाम मिलना चाहिए। लिहाजा अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जो काम आपने शुरू कर लिया है उस काम को करते रहें करते रहें करते रहें, इस नीयत के साथ करते रहें कि कभी ना कभी अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। ये याद रखें कि कामयाबी ताइफ के वाक़े में छुपी हुई है, कि जब हज़रत जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो इस पूरी आबादी को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, हो सकता है इनके आने वाली नस्लों में से लोग मुसलमान हो जाएं। लिहाजा जो भी काम करें ये सोच के करें कि हो सकता है इसका नतीजा आज ना मिले लेकिन कभी ना कभी इसका नतीजा मिलेगा ज़रूर। और आप, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, तो इसका नतीजा आपको मिलेगा ज़रूर, वह कुछ भी हो जाए।